नवयुग स्पोर्ट्स एकेडमी के तत्वावधान में पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के मुख्य आतिथ्य और दीनदयाल मिश्रा की अध्यक्षता में प्रतिभाशाली पर्वतारोही मोहम्मद फरहान का विदाई तथा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि झांसी के मोहम्मद फरहान पहले पर्वतारोही हैं, इसलिए झांसी वासियों को उन पर गर्व है कि वो इस क्षेत्र में भी झांसी का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। प्रबंधक मजहर अली ने कहा कि मोहम्मद फरहान उत्तराखंड की केदार कांथा चोटी पर गणतंत्र दिवस पर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जो हमारे लिए गौरवशाली होगा। 12,500 फीट की ऊंचाई पर -14 डिग्री से भी कम तापमान में लगभग 42 किलोमीटर का सफर तय करते हुए साहसी पर्वतारोही मोहम्मद फरहान झांसी का नाम रोशन करते हुए केदार कांथा चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और झांसी का नाम रोशन करेंगे। अध्यक्ष दीनदयाल मिश्रा ने कहा कि अकेडमी सदा से ही खेलों को प्रोत्साहन देती आई है और प्रतिभावान खिलाड़ियों की अकेडमी पूरी सहायता करती है और खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर है। कार्यक्रम का संचालन मनीराम कुशवाहा और HP पटेल ने और आभार अखलाक मकरानी ने व्यक्त किया। इस मौके पर भरत राय, राजेंद्र शर्मा, रघुराज शर्मा, प्रभा पाल, नजर अली, नीता अग्रवाल, सरला भदौरिया आदि लोग उपस्थित रहे। बुंदेलखंड क्षेत्र और झांसी क्षेत्र से अभी तक इस फील्ड में कोई था नहीं। काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन फिर मतलब मेरा आगे बढ़ने का ऐसा रहा इस फील्ड में मैं आगे करूँ। फिर मैं सर के पास गया, मिला इन लोगों से, सर से, तो सर ने पूरा सपोर्ट किया और अभी मैं आगे और भी इस फील्ड में आगे करता रहूँगा। ऐसे ही झांसी के लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा और आगे मेरी और भी जो है मेरी मैंने सेट की हुई है रिकॉर्ड, वो मैं आगे पूरे करूँगा। आज झांसी के खेल कूद के क्षेत्र में जिस तरह दद्दा ध्यानचंद ने पूरी दुनिया में नाम गौरवान्वित किया, वैसे ही एक पर्वतारोही जो एक साधारण से परिवार से है और जिसके अंदर लगन है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे, उसमें जाने का काम उस बेटे ने किया है फरहान ने, और उसको जाने में समस्या थी, ट्रैक नहीं था क्योंकि कोरोना काल में उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, तो हमारे समाज सेवी और अधिवक्ता जिन्होंने कोरोना काल में भोजन भी बांटा और बहुत सारे पुण्य काम किए, उनको ये मालूम पड़ा तो उन्होंने उसके जाने की पूरी व्यवस्था की, ट्रैक दिलवाने की व्यवस्था की और ये भी संकल्प लिया कि आगे कभी भी उसे नवंबर दिसंबर जब भी कहीं भी दुनिया की किसी भी चोटी पे जाना होगा तो पैसा उसके आड़े हाथ नहीं आएगा। झांसी से रवि परिहार के साथ राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, BSc कृषि BA, BEd BCom, BSc बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल AC रेस्ट हाउस, शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। अरे यार, जो सशस्ता चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम भुइया कर रहे हो, तुम कान खोल के सुनो, ऐसे कौन हुए, ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए, इतने पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और POP जो रखे आपके घर को सालों साल नया। आई लाइक इट। ऐसा स्वाद और कहां जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहां कम दाम में मिलता है 5-स्टार होटल वाला स्वाद, तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर।